नैतिकता की धुरी पर आप कहते हैं कि ये इस तरह की हिंसा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन उसी नैतिकता की धुरी पर ये सवाल पूछा जाएगा ना कि आखिर जाटव के इशू पर क्यों नहीं आप में से कोई भी आवाज उठाता, क्यों नहीं अन्य विषयों पर आवाज उठाते। सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, जहां कार्रवाई कानूनी तुरंत हो जाए वहां हम जाकर क्या नारेबाजी करके क्या मिल जाएगा। बात कार्रवाई हुई, अशोक गहलोत सरकार ने कार्रवाई की, नहीं की होती तो आपको लगता है संबित पात्रा यहाँ स्टूडियो में होते, वहीं बैठे होते अभी अलवर में या जहां हुआ ये हादसा। अरे साहब, पहली बार इस देश ने देखा कि कठुआ में या उन्नाव में जो बलात्कार की घटनाएं हुई, भारतीय जनता पार्टी, कान खोलकर सुन लो मिस्टर संबित पात्रा, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होकर, समर्थन में खड़े होकर रैलियां निकाल रही थी। दो मंत्री जम्मू कश्मीर में उस वक्त जो सरकार थी उसमें मंत्री थे, वो मंत्री सड़क पर आए, बलात्कारियों के समर्थन में आए। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या बात हो सकती, कोई तुलना कर ही नहीं सकते। इन्हें आपत्ति प्रधानमंत्री को इस बात की नहीं है, इनको किस बात की आपत्ति है? किसान मर गए, मंत्री पुत्र की गाड़ी के नीचे रौंद दिए गए, उनको उसमें कोई दुख नहीं हुआ। उनको दुख किस बात का है? प्रियंका गांधी वहां क्यों चली गई, किसानों के लिए उन्होंने आवाज क्यों उठा ली? मंत्री पुत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, जिससे प्रधानमंत्री ब्लैकमेल होते हैं, उसके विषय में, उसके खिलाफ प्रियंका गांधी ने आरोप क्यों लगा दिया? अरे भाई, इतना ब्लैकमेल होने वाला प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। अपना ही गृह मंत्री जिसको ब्लैकमेल करता हो और वो अपने गृह मंत्री को ब्लैकमेल करता हो, ऐसा इस देश ने कभी नहीं देखा। माफ करिएगा, हमें तो शर्म आती है बोलते हुए कि आखिर क्या राज है एक दूसरे के इन दोनों के पास, कि एक गृह राज्य मंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे। योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए, अरे साहब आ रहे हैं, आदित्यनाथ को बुलाया, समन कर दिया, हटा दिए जाएंगे, उन्होंने भी ब्लैकमेल कर दिया। ये प्रधानमंत्री इतना ब्लैकमेल क्यों होते हैं? आखिर ऐसे राज क्या है इनके, इन सबके पास, कि जो आता है उन्हें डरा के चला जाता है? ऐसा प्रधानमंत्री, इतना भयभीत प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा, जो आ रहा है डरा के। एक MOS डरा रहा है उस आदमी को, कमाल की बात है। और 56 इंच, अभी 56 इंच को एक MOS डरा रहा है, ये क्या कारण है? मैं नहीं मानता कि मेरा प्रधानमंत्री असंवेदनशील है, मैं मान नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री को बुरा नहीं लगा हो, किसान मारे गए हो, किसी गाड़ी के नीचे रौंद दिए गए हो, मैं नहीं मानता। बुरा लगा हो फिर भी नहीं हटा पा रहे तो फिर ब्लैकमेल हो रहे हैं। दोनों में से एक चीज सही हो सकती है। अंजना जी, आप मुझे जवाब दिलवाइए, क्या प्रधानमंत्री असंवेदनशील है कि उन्हें बुरा नहीं लगा, या प्रधानमंत्री दबाव में है, ब्लैकमेल होने की वजह से हटाया नहीं जा रहा गृह राज्य मंत्री को, MOS ब्लैकमेल कर? अंजना जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना, अब मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अंजना जी, जब से डिबेट शुरू हुआ है 6 बजे से, कांग्रेस के प्रवक्ता एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं। मुझे उसके समझाने के लिए 6 मिनट समय नहीं चाहिए, मैं केवल 2 प्रश्न पूछूंगा, अभी देखिएगा क्या हाल होगा। पहला प्रश्न, सुकन्या देवी कौन थी? और दूसरा प्रश्न, एंटोनियो माइनो जी भारत आने से पहले क्या करती थी? इन दोनों का उत्तर दे दीजिए। ब्लैकमेल बता दीजिए, एंटोनियो माइनो क्या करते? अभी कंप्लीट कर लूं, कंप्लीट कर लूं अंजना जी, ना जवाब देंगे इसके बाद, मैं पहले कंप्लीट कर लूं, पूरा करूंगा पहले, शांति से चुपचाप बैठाइए इसको, इनको चुपचाप बैठाइए पहले। ये हर बार ऐसे नहीं, इस प्रकार से फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाने से नहीं होगा अंजना जी, मैं पूरा करूंगा इसके बाद ही चिल्लाएंगे अंजना जी, पहले इनकी आवाज को करिए। मैं बहुत ध्यान से सुना, मैं बीच में बोलता नहीं, मैं बीच में बोलता नहीं, दोनों सवालों का आप जवाब दे दीजिए, लगातार क्यों बोल रहे बीच में? बात पूरी कीजिए, आप अभी बंद कराऊंगा आपका मुंह भी, अंजना जी से रिक्वेस्ट, किसी का मुंह नहीं बंद करा रहा है, हम इंश्योर कर रहे हैं कि बारी बारी से दोनों बोले, तो फिर क्या जी, बात पूरी कीजिए। हाँ, तो बारी बारी से बुलवाइए ना, तो माइक बंद करवा दीजिए, बोलिए। थैंक यू अंजना जी, आपके सामने 10 बार बोला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल होता है। क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2008 में जाके मां बेटे की तरह चाइना में कोई डील साइन कर लिया था शी जिनपिंग के साथ और चाइना के अधिकारियों के साथ, कि जो भी राज हिंदुस्तान का है हम शेयर करेंगे। क्यों ब्लैकमेल होगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री डोकलाम के समय टेंट के नीचे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की तरह टेंट के नीचे, चाइनीज टेंट के नीचे चाउमीन खा रहे थे, जो ब्लैकमेल होंगे? क्यों ब्लैकमेल होंगे प्रधानमंत्री जी? आप बताइए, मैंने सवाल पूछा था, ये सुकन्या देवी कौन है? कौन ब्लैकमेल करता था किसको? कौन है सुकन्या देवी, जिसका केस तो सुप्रीम, ये नहीं, सुनिए सुनिए, एक सेकंड सुनिए अंजना जी, ब्लैकमेल शब्द मेरे प्रधानमंत्री के लिए बहुत बोला गया है, मैं भी उसी प्रकार ठोक के बोलूंगा, प्रधानमंत्री के लिए बोला गया ब्लैकमेल होते हैं, अमित शाह जी उनको ब्लैकमेल करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, ये सुकन्या देवी कौन था जिसका केस गया था सुप्रीम कोर्ट तक? बताओ, ये सुकन्या देवी कौन था? किसका रेप किसने कर दिया था? बताओ जरा। दूसरा, ये एंटोनियो माइनो क्या करती थी इटली में? जो आज पूछ लेते हैं तो आप लोग भड़क जाते हैं और लीगल नोटिस भेजने के लिए बोलते हैं। क्या करती थी ऐसा एंटोनियो माइनो? क्या करती थी इटली में, बताइए क्या करती थी ऐसा? एंड आप यहाँ ब्लैकमेल की बात करते हैं,
केवल क्या करती थी पूछने पे आप लोग यहाँ आंख बबूला हो जाते हैं, ब्लैकमेल ब्लैकमेल करते हैं, और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री निष्कलंकित प्रधानमंत्री आज पूरे विश्व के नेता हैं, उनके लिए आप ब्लैकमेल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म नहीं आती है? बहुत बड़े नेता आ गए, अमेरिका में नाक कटवा दी, बड़े नेता है, चुपचाप बैठो आप सुन लो। अंजना जी, सुकन्या देवी का मामला जिस कार्यकर्ता ने एक पार्टी के कोर्ट में ले गया, ये राहुल गांधी सोनिया गांधी की नाक होती तभी तो कटेगी, नाक ही नहीं है तो कटेगी कहां से? नाक तो कटवा रखा है, बेल लगाया सुप्रीम कोर्ट से आए हुए, नाक कटवा दी। सुकन्या का नाम ले रहे हो तो एक कानूनी नोटिस के लिए और तैयार रहिए, ये अदालत की अवमानना है। अरे भेजो ना, मैं भी तुम्हें बता देता हूँ, ठोकना भी बता देता हूँ। ऐसा ब्लैकमेल होने वाला प्रधानमंत्री नहीं देखा जो चीन को क्लीन चिट दे देता है? क्या दबाव है? चीन के पास भी कुछ राज हैं प्रधानमंत्री के, जो बार बार गोवा गुजरात के जो मुख्यमंत्री बनकर जाते थे चीन में, वहां ऐसा क्या होता था कि चीन भी उनको ब्लैकमेल कर रहा है? चीन को क्लीन चिट दे देते हैं, चीन को क्लीन चिट, ओम बिड़ला पाकिस्तान के सीनेट को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट। अरे साहब, इतने लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, इतना बड़ा ब्लैकमेलेबल प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, इस देश को ब्लैकमेलेबल प्रधानमंत्री। अरे ब्लैक होल है राहुल गांधी, ब्लैक होल, जो जाता है उसमें कोई निकल के नहीं आता है, ये समझ लो। क्लीन चिट दे दिया अंजना जी, इनको भी क्लीन चिट दे दिया, इस तरह की बात करके ब्लैक होल है, ब्लैक होल जो प्रवेश करता है ब्लैक होल में निकल कर नहीं आता है, कौन कौन ब्लैकमेल कर रहा है हमें नहीं मालूम, ये है राहुल गांधी। लेकिन इस देश का नुकसान हो रहा है, मेरे देश का प्रधानमंत्री ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का नुकसान होता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री को चीन ब्लैकमेल करता है, अमित शाह ब्लैकमेल करता है, डोवल साहब ब्लैकमेल करते हैं, वक्त की कमी है संबित जी, एक लाइन में जवाब, ब्लैकमेल करके चला जाता है। एक लाइन में देखिए, इन्होंने 10 बार ब्लैकमेल कहा, मैं तो बता रहा हूं कि राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा ब्लैक होल है, ब्लैक होल, जो चीज ब्लैक होल में जाता है वो कभी भी बच नहीं सकता है।